हेलो सब्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट में। पिछले वीडियो में हमने पानी की टंकी बनाई, उस टाइम तो वो काम कर रही थी लेकिन बाद में पता चला कि उसमें से ज्यादा ज़ॉम्बी नहीं गिर रहे, बिल्कुल स्लो ही काम कर रहा है। तो मैं लग गया यार यूट्यूब पे सर्च करने के लिए, कुछ सॉल्यूशन मिला कि यहाँ पे टॉर्च वॉर्च लगाओ साइड में, वो हो जाएगा सीन, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, मैंने वो सब कर लिया, वैसा के ही वैसा है। तो खैर उसको जाने देते हैं, बाद में करेंगे। तो आज करने वाले हैं हम अपना फार्मिंग खुद का, क्योंकि यार भुखमरी पड़ चुकी है हमारे दुनिया में, अकाल पड़ चुका है, तिनका भर भी खाना नहीं है। तो यार मैं जल्दी से जाके कुछ सीड्स इकट्ठे करके और फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, लेट्स डू दिस। तो भाई लोग मैं बाहर हो चुका हूँ और ये देखो मेहरोली की पानी की टंकी, बस डिफरेंस यही है उसमें पानी होता है और हमारे में ज़ॉम्बीज होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बस एक ही सस्ता सा ज़ॉम्बी आ गया है, तो यहाँ पे एक रोटन फ्लैश सस्ता सा देके हुए जाता है। पेटी से हम अपना सीड्स निकालते हैं जो भी हमें फार्मिंग के टाइम पे नीड होगी, वीट सीड्स, बीट रूट के सीड्स, ठीक है मैं सब सीड्स ले लेता हूँ यहाँ से। तो भाई लोग आज मौसम भी बहुत अच्छा है, फार्मिंग भी बहुत अच्छे से होने वाली है। यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक मार्क छोड़ा है, यहाँ से मैं जल्दी से हो से छीलना स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली हो का काम यही होता है, ये ग्रास को छील देता है और अपना पौधे आप लगा सकते हो। तो यार अभी तो पानी वानी नहीं है, पानी लेके आना पड़ेगा नहीं तो ये सूख जाता है, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मेरे पे यार बल्टी नहीं है तो मैं यहाँ पे आयरन से अपना कुछ बल्टी दो बना लूंगा, दो ही बल्टी चाहिए फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं अपना आयरन रख दूंगा क्योंकि यार आयरन की बहुत कमी होने वाली है आज, तो हम एक फार्म जरूर बनाएंगे, यार बहुत कमी पड़ गई है आयरन की। खैर तो पास वाले जो झील पे वहां पे चलते हैं, वहां पे मैंने पानी देखा था, यहाँ पे मैंने पानी दो बल्टी उठा लेना है और ऊपर चलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे मैं जल्दी से एक छोड़ के यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब इस तरफ एक छोड़ के स्टार्ट करूंगा, हर तरफ एक एक छोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने काफी डर्ट तोड़ दिए, पानी भी डाल दिया और छील भी दिया और यहाँ पे बहुत सारे जो लगा दिए सीड्स ये उग भी रहे हैं फिलहाल के लिए। अब मुझे वेट नहीं करना, मेरे को बोन मील बना के इन सबको जल्दी से उगा देना है। खैर मैं आपको बता दूं कि बोन मील अपने बोन से बनता है और ये एक तरीके का कॉम्प्लेन होता है जो कि बहुत जल्दी उगा देता है। यार मेरे को सावर का फल मीठा चाहिए ही लेकिन बिना वेट का चाहिए। तो गुरु यहाँ पे मेरे को और भी ज्यादा जो वीट्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के वो चाहिए होंगे। पास ही का एक विलेज था जो मैं पिछली बार गया था, वहाँ पे मैंने देखा था आलू था और गाजर भी था, तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ और वहां पे आलू और गाजर को भी लेके आता हूँ। तो यहाँ मैं फिलहाल अपने विलेज में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे देखो आलू और गाजर भी है, विलेज वालों ने भी अच्छा सा यहाँ पे बना रखा है अपना फार्म का सीन। तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ, तो अपने पहले आलू इस तरफ से लगाएंगे और इस तरफ से अपना गाजर लगाएंगे। मैं आलू लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, देख सकते हो अबे खा क्यों रहा है। ओके तो आलू यहाँ से हो गया है, गाजर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कोने में देखो हमारा ये जो वीट है ये पूरा हो चुका है, ये पूरा उग चुका है। अब इसको हम तोड़ के लगा देते हैं एक और। ओके ठीक है, इस तरफ से और भी उगना बाकी है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो अब मैं जल्दी से इसको फेंसिंग कर देता हूँ। A few inches later. ओके गाइस, हमने बहुत सा फेंस बना के यहाँ पे फेंस लगा दिए ताकि रात को जो हमारे अंदर फार्म के कोई आ ना पाए। खैर यहाँ पे एक गेट लगा देता हूँ। ओके यार ये गलत लग गया, इसको तोड़ के हम अपना सही वाला गेट लगा देंगे इस तरफ से, कुछ ऐसे, अब सही लग रहा है। अब इसको खोल भी सकते हैं और अंदर बाहर भी हो सकते हैं, खैर इस पे आप कूद भी नहीं सकते, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे देखो फेंस में मैं लाइट भी लगाऊंगा क्योंकि यार क्रीपर अंदर भी तो पैदा हो सकते हैं और क्रीपर अंदर पैदा हो गया ना तो बहुत ज्यादा सीन हो जाएगा। तो गाइस रात हो चुकी है और हमारा जो उस साइड का वीट का फार्म है उस तरफ का कत्ती बढ़िया सा उग चुका है। The next day. तो भाई लोग यहाँ पे हम एक रास्ता सा बना रहे हैं अपने विलेज से, पूरा हमारा घर के छत पे कनेक्ट होने वाला है। हम क्यों बना रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि हमें आयरन फार्म बनानी है और आयरन फार्म बनाने के लिए हमें विलेजर्स चाहिए, कम से कम मिनिमम दो विलेजर चाहिए होता है, ठीक है। वैसे तो विलेजर को नहीं ला सकता, बड़ा मुश्किल काम है। मैं जल्दी से रास्ता बनाऊंगा और उसको बोट पे बिठा के अपने छके ऊपर ला के उसको छोड़ दूंगा। तो मैं जल्दी से बनाता हूँ। ओके तो गाइज मैंने पूरा छत तक कंप्लीट कर दिया, ये पूरा कनेक्ट हो चुका है, अब चलते हैं विलेजर के पास। ओके तो गाइज मैं विलेज में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक विलेजर को कैद कर दिया है अपने बोट से और यहाँ पे मैंने इसे डर्ट से इसलिए कवर किया है क्योंकि रात हो गई थी इसको लाते लाते और मैं नहीं चाहता था कोई ज़ॉम्बी इस पे अटैक करे, मर जाएगा खाम का। और यहाँ पे एक हमने डर्ट से सीढ़ी बना दी है, हम ऊपर जाने वाले हैं इसके सहारे से। तो मैंने एक आइडिया लगाया गाइज, इसको मैं एक तरीके से ला सकता हूँ और वो है पिस्टन से। तो मेरे को कुछ इस तरह
से पिस्टन रखना है इस गड्ढे में ऐसे ऊपर की तरफ, और एक जो लीवर है उसके साइड में ऐसे रखना है, और इस बोट को मैं पिस्टन के ऊपर लेके जाऊंगा और लीवर को दबा दूंगा जिससे जो पिस्टन है मुझे ऊपर तक धकेल दे और हम ऊपर बोट को लेके जा सके। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है, देख सकते हो पिस्टन के ऊपर लाया बोट और यहाँ पे मैं लीवर को ऑन किया और ये ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा आगे ले चलते हैं। कुछ इसी मदद से हमें फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, यार थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। खैर, और पिस्टन लगाया, यहाँ पे एक और लीवर लगाया, बोट के मदद से इसके ऊपर ऐसे चले जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को पिस्टन ऑन करना है और ऊपर आ चुका है हम दोबारा, ऐसे करते हुए हमें ऊपर जाना है, तो मिलते हैं जल्दी से आगे। A few inches later. तो गाइज अब हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं और पीछे जो विलेजर है मेरा उसको बिठा के आगे जा रहा हूँ। यार क्या आवाज कर रहा है यार। गाइज मैं भी इतना बड़ा पागल हूँ ना, लिटरली यार इतना मेहनत किया, बाद में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार रात होते ही हम अगर सारा विलेज के बेड चोरी करके मतलब तोड़ के ले आते और यहाँ पे ऊपर लगा देते तो सारे विलेजर ऑटोमेटिक ही आ जाते यार ऊपर। इतना मेहनत करा दिया यार मैंने खुद को। खैर हम अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने घर की ओर, बहुत स्लो चल रहा है ये बोट बेसिकली, तो मैं दो जोड़ी ले आऊंगा और दोनों जोड़ियों का पैदा करवा दूंगा तो हम उसके बाद विलेजर बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फाइनली अपने छत के ऊपर आ चुके हैं। लिटरली बहुत धीरे चल रहा था यार, और यहाँ पे मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और देखो नीचे जाने में कोई सीन नहीं है, जल्दी चले जाता है, देख सकते हो। तो गाइज अब हमने थर्ड फ्लोर इसको लेके आ चुके हैं, ये कहीं भाग ना जाए इसलिए मेरे को ना फेंस लगाना पड़ेगा। ये आराम से बैठा तो है लेकिन मेरे को इसको बैठने नहीं देना है। खैर तो यहाँ पे मैं जल्दी से यहाँ पे पूरा फेंस लगा दूंगा ताकि ये भाग ना पाए। ओके तो गाइज यहाँ पे मैंने पूरा फेंसिंग का काम कंप्लीट कर दिया है और इसके लिए एक बेड लेके आया हूं ताकि ये रात को सो सके, तो इसको बोट तोड़ देते हैं जल्दी से। ओके अबे भाई उठ, सुबह होने वाला है, अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। मैं मानता हूँ तू नाइट ड्यूटी करके आया लेकिन हम भी तो तेरे साथ थे, बड़ा ही अजीब सीन है भाई। ओके तो गाइज ये जो हमने पाथ बनाया था इसको हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इन फ्यूचर एक विलेजर मर जाते तो हम दूसरा लेके आ सकते हैं आसानी से, तो अभी इसको नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, the next day. तो भाई लोग आज है दूसरा दिन और हमने कल इतना मेहनत कर डाला, पाथ बनाया, विलेजर को लेके आए, किस लिए? एक सस्ता सा आयरन फार्म बनाने के लिए। खैर आयरन फार्म भी बन गया चलो ठीक है, पर बाद में पता चलता है कि हमने वीडियो रिकॉर्डर ऑन ही नहीं किया क्योंकि हम सस्ते नशे करके कहीं पड़े थे। हम बनाने के बाद जब वीडियो ऑफ करने के लिए जा रहे होते हैं फिर देखते हैं कि वीडियो तो चालू ही नहीं हुआ, हम ऑफ कहां से करें। खैर आपको एक मौका तो जरूर मिलेगा अपने आयरन फार्म देखने के लिए, रेडी हो जाओ फिर बाहर चलते हैं। तो बाहर देखो मैंने यहाँ पे बैम्बू लगा दिया जो कि हमें पिछले कहीं टाइम पे मिला था, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बड़े हो चुके हैं। कुछ शुगर कैन यहाँ आसपास से ले आया था, ये भी लगा दिया, सही लग रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने सस्ते महरोली वाले पानी के टंकी के पास। देखो जो अच्छा बना है उसका वीडियो बना दिया हमने और वो काम नहीं करता, और जो काम कर रहा है अच्छा उसका वीडियो ही नहीं बना। ओके तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ, काम जो जैसे करता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो तीन विलेजर हैं, देख सकते हो यहाँ पे, और उसके पीछे एक ज़ॉम्बी है। और देखो विलेजर के पास हमने तीन बेड लगा दिए ताकि ये रात को सो सके और कुछ काम भी दे दिए फार्मर वाले। ठीक है अब मैं आपको सीन बताता हूँ, वो ऊपर गोलम भी स्पॉन हो गया, पर मैं आपको अब सीन बताता हूँ इसका सीन ये चलता कैसे है। ठीक है वहां देखोगे तो ये जो विलेजर है वो डर ज़ॉम्बी से रहे हैं। ठीक है और ये ज़ॉम्बी में मैंने एक क्लॉक वाइज रेडस्टोन का लगाया जिससे ये जो पिस्टन है ज़ॉम्बी को ऊपर ढकेलता है। ठीक है ये पिस्टन ऊपर ढकेलता है और इससे जो विलेजर है वो डरेंगे। ठीक है और जैसे ही विलेजर डरेंगे ना वैसे ही ऊपर या नीचे कहीं पे जो गोलम है वो स्पॉन होते रहेंगे। वैसे ही ऊपर तो होना था लेकिन यार नीचे पता नहीं क्यों स्पॉन हो रहे थे, तो मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने इसमें थोड़ा सा और ज्यादा ऐड करा, पानी का जो है फ्लो ऐड कर दिया। ठीक है नीचे देखो वहां पे भी गोलम आ गया और वो जल भी रहा है, अभी देखो ये जलेगा, पता है क्यों जल रहा है? यहां पे मैंने पानी डाल दिया, इसका फ्लो उसको उस तरफ लेके जा रहा है और ये जो लावा है उसको जला दे रहा है। लावा का कुछ सीन ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगाया और ये लावा देखो हवा में उड़ रहा है। यार पता है ना लॉजिक, माइनक्राफ्ट का लॉजिक है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक होपर मैंने नीचे लगा दिया, कनेक्शन बिल्कुल नीचे का है, ऊपर जो भी गिरेगा सीधा नीचे जाएगा। अब मैं कहाँ था, मैं बता रहा था कि हम नीचे जो ये यहाँ भी गोलम स्पॉन होते तो मैंने यहाँ भी ऊपर का सीन जैसा कर दिया है। यहाँ पे देखो ऊपर भी गोलम स्पॉन हो जाते हैं, तो मैंने फेंस लगा दिया ना हो स्पॉन, पानी का बहाव उसको लेके जाएगा, होपर भी नीचे लगा
लगा है और उससे गोलम जल के मर जाएगा। देखो यहाँ भी एक स्पॉन भी हो चुका है और ये देखो ये जलने भी लग गया। बेसिकली यही सीन है, ऊपर भी स्पॉन होगा नीचे भी स्पॉन होगा और हमारा जो ये सस्ता सा आयरन फार्म वो चल रहा है बढ़िया, बस वीडियो नहीं बना पाया। तो ऑल इन वन ये एक बढ़िया सा आयरन फार्म है। अगर आपको इसका वीडियो एक प्रॉपरली चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप कमेंट में बताइए। और यहाँ पे तो देखो ये जल रहा है और जैसे ही ये मर जाएगा अब मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कितने हम पे जो आयरन है वो इकट्ठे हुए। तो मैं यहाँ पे इस पेटी में जाता हूँ। ओके इस पेटी में कुछ नहीं है, इस पेटी में है हमारे पे खुलना। ओके तो देख सकते हो हमारे पे 64 के 5 है और कुछ 36 है कुछ, ठीक है। और फूल भी देते हैं क्योंकि मरने के बाद आपको पता है ऑब्वियसली काफी इकट्ठे ही हुए हैं। मैं वेट कर रहा था कितने इकट्ठे होंगे। आज के लिए इतना, वीडियो काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देखना, फॉल गाइस का सीजन 2 आया है तो मैंने वो डाल दिया था, आप देख लेना। तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस, बाय गाइस।